हेलो फ्रेंड्स, आज के जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड कर चुका है इस चैप्टर में, चैप्टर के तो दो वीडियो मैंने अपलोड किया है। एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे पूरे इस चैप्टर के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ना, वो मिल जाएगा। और सेकेंड जो वीडियो अपलोड किया था उस चैप्टर में आपको मिल जाएगा डिबेंचर्स के बारे में, सम्स किया था सॉल्व, तो आप देख लीजिए। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने कहा था कि मैंने शेयर पर भी वीडियो अपलोड करूँगा, तो आज के वीडियो में आपको शेयर पर सम्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक रख दूंगा, तो आप उसको देख लीजिए। ठीक है, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो को स्टार्ट करते। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को जुड़े आइए, क्योंकि जो भी आपको नए नए वीडियो मेरे अपलोड करता हूँ तो आपको मिलते रहेंगे। और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलिए, उससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे, अपडेट मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपको पूरा कवर हो जाएंगे, जो आपके शेयर्स के जो सम्स होते हैं आपको पूरा, जो भी मतलब कि मैंने एक ये समझा, क्योंकि इसमें जो भी जितने भी पूरे क्राइटेरिया है आपको यहाँ पे पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको वीडियो में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसमें वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और आपको वहाँ पे आप अपने बुक में भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये इलेक्शन नंबर 21 में क्या बोला है। ऑन 1 अप्रैल 2012 मिस्टर मायर हैड 13,000 इक्विटी शेयर इन जय लिमिटेड एट द बुक वैल्यू ऑफ ₹4,15,000। फेस वैल्यू दिया है ₹10 पर शेयर, और 22 जून को क्या हुआ, परचेस हुआ अनदर 5,000 शेयर ऑफ कंपनी ₹4,18,000। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टर ने बोनस इशू किया है इक्विटी शेयर इन द रेशो ऑफ 1:47 हेल्ड ऑन 16 अगस्त 2012। उसके बाद 31 अगस्त को क्या हुआ, राइट इशू हुआ है इन द रेशो ऑफ 3:48 हेल्ड है। ठीक है, उसके बाद पेमेंट हुआ है। जो भी है आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन लिखना है, हम एक 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 कर देंगे तो आपको मैं सम बताता रहूँ, क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ठीक है, पहले हम सम स्टार्ट करते हैं, उसमें आपको मैं स्टार्ट से बता दूंगा क्या क्या होगा। डिविडेंड भी यहाँ पे 20% डिविडेंड रिसीव हुआ है, उसके बाद आपको सोल्ड हुआ है, तो ये सब ट्रांजेक्शन आते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में। ठीक है, तो सम्स मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, जो भी सॉल्यूशन इसके जो वर्किंग नोट है आपको मैं नोटबुक पे सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मायर, पहले आपको ये पढ़ लेना है कि उसके बुक में बनाना है, तो यहाँ पे लिख, हमेशा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मायर, देखो यहाँ पे लिखा, तो आपको यहाँ पे लिख देना है इन द बुक्स ऑफ मायर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इन इक्विटी शेयर ऑफ जय लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। ठीक है, यहाँ पे जैसा लिखा है वहाँ पे आपको एज इट इज़ लिख लेना है। फॉर्मेट की बात करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट क्या होता है, सेम फॉर्मेट है शेयर के डिबेंचर की तरह, बट यहाँ पे एक चीज़ नया आता है, डिविडेंड आता है, वहाँ पे क्या आता है इंटरेस्ट था, क्योंकि डिविडेंड जो होता है शेयर को मिलता है, जो इंटरेस्ट होता है सिर्फ डिबेंचर होल्डर को मिलता है। ठीक है, ये आपको फ़र्क पता होना चाहिए डिफरेंट। ठीक है, ठीक है, हम सम स्टार्ट करते हैं। पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, क्या लिखा, ऑन 1 अप्रैल 2012 मिस्टर मायर है 13,000 इक्विटी शेयर। ठीक है, ये जो बैलेंस है मिस्टर मायर का 13,000 शेयर है इक्विटी शेयर, उसका जो बुक वैल्यू है ₹4,15,000 दिए। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 अप्रैल 2012 दिया है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन दिया है। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखा है, आपको यहाँ पे 13,000 लिखना है। देखो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे देखो लिखा है नंबर ऑफ शेयर रुपीज़ में दिए है, आपको रुपीज़ में ही लेना है, ऐसा आपके ऊपर है, आप रुपीस में भी ले सकते हो या नंबर में भी ले सकते हो, बट मेरे हिसाब से रुपीस में लोगे तो आपको अच्छा रहेगा। इसने रुपीस लिखा है बट रुपीस में लिया नहीं है, ये डायरेक्टली 13,000 जो यहाँ पे लिखा है वहाँ पे यहाँ से लिख लिया, देखो देख सकते हो आप, तो यहाँ पे आपको रुपीस में लेना है मेरे हिसाब से। तो रुपीस में ऐसा करना है, आपको यहाँ पे देखो 13,000 शेयर का यहाँ पे 10 रुपीस दिया है, तो आपको कुछ करना नहीं, 13,000 × 10 करोगे तो आपको 3 लाख मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे 3 लाख लिख लेना है। ठीक है, आप ऐसा भी करोगे तो ऐसा आपका रॉन्ग नहीं है, बट मेरे हिसाब से आपको रुपीज़ में ले लेना है, यहाँ पे रुपीज़ बोला तो रुपीज़ में लेना चाहिए। ठीक है, आपको डिविडेंड में कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला नहीं है। कॉस्ट की बात करेंगे, यहाँ पे देखो कॉस्ट दे चुका है 4,15,000, तो आपको एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे बोला कि 22 जून को क्या हुआ, यहाँ पे परचेस हुआ अनदर शेयर 5,000 का, तो उसका जो रुपीज़ है 18,000 रुपीज़ है, तो हम लोग क्या डेट लिख देंगे, एज डेट को आपको लिखता है ऑन द स्पॉट लिखना है 22/6/2012 टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे 5,000 शेयर लिखा है, उसका रुपीस देखो कॉस्ट लिखा है 18,000, तो आपको एज इट इज सेम लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, जो परचेज होगा आपको डेबिट में लिखना है, जो भी सेल्स होगा आपको क्रेडिट में लिखना है, वो आपको पता है कौन से। ठीक है,
दो ट्रांजेक्शन आपको हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला, द डायरेक्टर ऑफ जे लिमिटेड अनाउंस द बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर इन द रेशियो ऑफ 1:47 हेल्ड ऑन 16 अगस्त 2012। यहाँ पे जो डायरेक्टर है जे लिमिटेड को अनाउंस कर रहे हैं बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, 1:47 एक पे सात कर रहे हैं। तो कैसे करना है, कभी भी ये चीज़ बहुत लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट करती है कि इसका मीनिंग क्या होता है, कैसे करना है, कैलकुलेशन करना है, उसको बहुत लोग कन्फ्यूज होती है। तो मैं आपको उसका कैलकुलेशन बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो आपको नोटबुक में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं जो वर्किंग नोट आपको दिया है। फर्स्ट आपको क्या बोला है यहाँ पे, वर्किंग नोट नंबर 1 देख सकते हो, आपको बोनस शेयर लिख देना है, ठीक है। बोनस शेयर आपको लिखे, आपके पास देखना कि आपके पास टोटल शेयर कितने थे, ठीक है। टोटल शेयर हमारे पास कितने थे, 13,000 यहाँ पे थे, 13,000 यहाँ पे थे, ठीक है। आपको 500 यहाँ पे भी हुआ, ठीक है। 13 + 5 कितना हुआ, 35 आपके पास हो गया, ठीक है। 30 लिख दीजिए प्लस 5,000 कितना हो गया टोटल आपके पास, 35 हो गया, ठीक है। 35,000 शेयर आपके पास हो गया। अब यहाँ पे क्या बात होती है, यहाँ पे बोला है कि 1:47 बोला है। कभी भी याद रखिए, जब जहाँ पे वर्ड 4 लगा रहता है ना, 4 आपको क्या करना है, जो आगे जो भी नंबर हो गए उसको आपको डिवाइड में करना है। आप देख सकते हो, जूम कर लीजिए, आप देख सकते हो 1:47 बोला रहेगा ना, तो आपको क्या करना है, 1/7 करना है। अब क्या करना है, आपको कैलसी उठाना है, 35,000 × 1/7 5,000 आपको मिल गया यहाँ पे, ठीक है। 5,000 आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे बोनस शेयर मिल जाएगा 5,000, देख सकते हो आप। डेट देख लीजिए, टू बोनस इशू 5,000। देखियो आपको मैं बताया कि यहाँ पे रुपीस में नहीं लिया, तो इसलिए सिर्फ शेयर का अमाउंट लिखा है बस। आपको रुपीस में भी कर सकते हो, इंटू 10 करोगे तो आपको रुपीस में आ जाएगा, कुछ ज़रूरी नहीं है, बट आपको ऐसा करना है आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि देखो, ठीक है, यहाँ पे भी आप वर्किंग नोट दे सकते हो, टेक्स्टबुक में बोनस शेयर देखो प्रॉपर लिखा है, हमने भी ऐसा दिखा है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, सबसे मेन जो ट्रिक होता है शेयर में तो यही यहाँ पे आता है। देखिए राइट इशू की बात करेंगे हम, राइट इशू में देख ले सकते हो आप, सबसे आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है प्रॉपर। हाँ, ऑन 31 अगस्त क्या हुआ 2012 को, द कंपनी मेड अ राइट इशू इन द रेशियो ऑफ 3:48, ठीक है, 3:8 हो रहे हैं। ऑन द पेमेंट ऑफ रुपीज 15 में बिक रहा हो, क्या हो रहा है, पेमेंट कितने में हो रहा है, 15 पर शेयर में हो रहे हैं। आगे पढ़िए, ड्यू डेट फॉर पेमेंट वॉज 13 सेप्टेम्बर। ड्यू डेट क्या है, उसका पेमेंट का 13 सेप्टेम्बर को है। बट आगे क्या बोला, मिस्टर मायोर सब्सक्राइब टू 2/3 ऑफ द राइट इशू, जो राइट इशू हुआ है उसमें से जो मायोर है 2/3 सब्सक्राइब कर लिए। अब बाकी जो आपको देखना है कि कितना सोल्ड हुआ है, एंड सोल रिमेनिंग ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ विनायक फॉर कंसिडरेशन ऑफ 2/2। यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है प्रॉपर, देख लीजिए आप, यही आपका मेन हो जाएगा। तो पहले आपको पता करना है कि कितना राइट शेयर इशू हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए राइट शेयर, ठीक है, राइट शेयर लिख दीजिए। अब राइट शेयर कैसे करना है, पहले आपको पता करना है कि आपके पास टोटल शेयर कितने थे। हमारे पास 13,000 थे, प्लस 5,000 भी थे, और प्लस 5,000 बोनस शेयर के भी इशू हुए, तो टोटल आपके पास कितना हुआ, 35 + 5 = 40 हो गया आपके पास, ठीक है। इनटू अब क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या बोला, देखो अगेन आया है 3:48, क्या करना है, 3/4 करना है आपको। अब आपको पता करना है कि राइट शेयर कितना इश्यू हो रहा है, ऑलरेडी एक्चुअली 14,000 × 3/4 करना है, कितना आया आपका पास, 13,000 आया आपको, कितना करना है आपको देख सकते हो। सॉरी यहाँ पे 3/8 है ना, 3/4 बोल रहा है, तो मैंने गलती कर दी है, 14,000 × 3/8 करना है हमको। तो टोटल आपके पास राइट शेयर इशू हुआ है 15,000 का इशू हो चुका है। बट बाद में आगे कंडीशन क्या बोला गया है, जो राइट शेयर इशू हुआ है ना उसको सब्सक्राइब कर लिया गया है 2/3 में ऑफ राइट ऑफ शेयर, ठीक है, जो मायोरी थी उसे सब्सक्राइब कर लिए। तो पता कैसे करेंगे राइट ऑफ सब्सक्राइब कितना हुआ है, आपको यहाँ पर लिखना है राइट शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, यहाँ पे आपको लिख लेना है कितना शेयर आपके पास अभी राइट शेयर के बचे हैं, 15,000 बचे हैं, बट उसमें से 2/3 क्या हुआ, सब्सक्राइब हो रहा है। पता है, मतलब 15,000 और 2/3 कितना हुआ, इज इक्वल टू 10,000 शेयर हो रहे हैं, ठीक है, इतना 10,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ है।
आपको क्या करना है, बाकी पता करना है। अभी देखिए कन्फ्यूजन कैसे क्रिएट हो रहा है। देखिए पहले आपको राइट इशू पता कर लिए, उस शेयर में से इतना सब्सक्राइब हुआ है, आपको रिमेनिंग क्या करना है, रिमेनिंग वो उसने सोल्ड किया है। रिमेनिंग कैसा पता करेंगे, 15,000 में से 10,000 तो सब्सक्राइब हो गया, बाकी कितना बचा 5,000 का आपका क्या है, सेल ऑफ राइट है। इंटाइटलमेंट है ठीक है। यहाँ पे आप कैसे करोगे, जो आपका 15,000 का आपको बचा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो 15,000 × 1/3, तो आपका जो आंसर आएगा 1/3 करोगे तो आपको कितना 5,000 आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा, 5,000 मिला है, देख ही सकते हो आप। अभी आपको प्रॉपर ध्यान देना, वीडियो को स्किप मत कीजिए प्लीज़। आपको जो सेल हुआ है ना, वहाँ पे बोला कि 2 per share में बेचना है, जो आपको 5,000 आया ना उसको भी 2 rupees में कर रहा है, × 2 rupees में, तो यहाँ पे कितना हुआ 10,000 हुआ ठीक है। 10,000 जो आया ना यहाँ पे, उसके बाद आपको क्या बोला कि 10,000 आपको स्टार्टिंग वापस लाइन पढ़ना पड़ेगा। देखो 31 अगस्त को जो राइट इशू हुआ है उसका पेमेंट कितने रुपये में हो रहा है, 15 rupees में हो रहा है ठीक है। और उसका पेमेंट का डेट क्या बोला, 13 September बोला है ठीक है। देखिए आपसे देख सकते हो 13 September 2012 टू बैंक अकाउंट राइट शेयर बोला है, देख सकते हो 10,000 अपना आ गया आंसर यहाँ पे, जो रुपीज़ में आया आपको 20,000। ये देखो यहाँ पे रुपीज़ किया है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे सम, देखो टेक्स्ट बुक में रोम देखो, रोम देख सकते हो आप, रुपीज़ किया है ठीक है। यहाँ पे रुपीज़ मिली है, इस यहाँ पे रुपीज़ मिली है, तो यहाँ पे इसलिए आपको मैं बोला रुपीज़ मिली लीजिए, आपको रॉन्ग नहीं होगा। 10,000 नहीं क्या, इंटू क्या करिए आप 15 कर दीजिए, जो आपको 10,000 जो आया है इंटू 15 कर दोगे तो आपको कॉस्ट मिल जाएगा, देख सकते हो आप यहाँ पे कॉस्ट आपको मिल जाएगा ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आपको कुछ भी और मतलब नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट कर दीजिए, आपको मैं बता दूंगा ठीक है। फिर भी आप एक बार अच्छे से पढ़िए और उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करिए, तो आपको डेफिनेटली आपको आ जाएगा ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट ख़त्म हुआ। अब आपको आता है थर्ड कॉन्सेप्ट, आता है ऑन 31 October 2012 को रिसीव हो रहा है डिविडेंड फ्रॉम द जे लिमिटेड। जो डिविडेंड है 31 October रिसीव, बट कौन सा डिविडेंड वो भी तो पता करना चाहिए। 20% हो रहा है कब का, ईयर एंडेड 31 March 2012 का। देखो 1 April 2012 मतलब कि ये क्लोजिंग हो गया और ये आपका क्या हो गया, ओपनिंग हो गया, तो जो ओपनिंग जो बैलेंस आपका था उसका 20% आपको निकालना है, देख सकते हो 13,000 × 20% आप निकालोगे तो 6,000 आया। आपका फेस वैल्यू कितना बोला है 10 rupees से, देखियो आया इतना अमाउंट आपका स्क्रीन, देखो आप देख सकते हो आपको डिविडेंड यहाँ पे लिखना 31 10 2012 बाय बैंक अकाउंट डिविडेंड कॉलम में यहाँ पे लिख देना आपको ठीक है। अब आपको क्या करना है, इमिडिएटली ये चेक करना है कि नेक्स्ट परचेस का चेक करना है। देखो ये समय मेंशन, ये जो क्वेश्चन है इसमें मेंशन किया है प्रॉपर, डिविडेंड फॉर शेयर एक्वायर बाय हिम ऑन 22 June 2012 मतलब जून को जो एक्वायर हुआ था, परचेस हुआ था, उसको क्या करना है, एडजस्ट करना है अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ परचेस ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन में प्रॉपर मेंशन कर दिया कि जो आपका परचेस है उसको एडजस्ट करना है कॉस्ट में, तो वो कैसे करेंगे, वो भी इजी है। जो आपका जो अमाउंट है, जो आपका 5,000 ये अमाउंट आया ना आपको, जो 5,000 अमाउंट आया इंटू करना है आपको, कैसे करना है, इंटू 10 rupees से ठीक है। जो आपका 5,000 है इसको पहले क्या करिए, पहले 20% ले लीजिए इसका, 20% आप ले लीजिए तो 1,000 आया, 1,000 आपको क्या करना है 10 rupees कर देना है, तो 10,000 rupees क्या हो गया आपका कॉस्ट आ गया, इसको आपको क्या करना है एडजस्ट करना है, तो आपको लिखना है, देखो आप देख सकते हो 10,000। आप ऐसा भी कर सकते हो 31 10 2012 लिखे, आप बैंक अकाउंट लिखे डिविडेंड लिखे, वापस अगेन लिखो आप 31 10 2012 बाय बैंक अकाउंट 10,000 आप नीचे लिख सकते हो, इसके नीचे ये भी कर सकते हो। आपको हमेशा याद रखना आपको कंपलसरी एंट्री पास करना है, ये सब में क्वेश्चन ने बोला था कि करना है तो आपको करना है, बट कोई कोई समय नहीं बोलता तो आपको फिर भी करना पड़ेगा। जैसे कि ओपनिंग होने के बाद जो आपका परचेस होगा नेक्स्ट परचेस, आपको उसका भी 20% लेके आपको उसमें कॉस्ट में लिखना है, डिविडेंड में नहीं आएगा ये, सिर्फ कॉस्ट में आएगा अमाउंट ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब आगे क्या बोला है, ऑन 15 November 2012 मायूरी सोल्ड 13,000 इक्विटी शेयर। यहाँ पे 30,000 इक्विटी शेयर क्या हो रहा है, सोल्ड हो रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ 5 rupees per share। तो इसकी एंट्री कैसी बताया था मैं आपको, पहले आपको लिख लेना है जो डेट है 15 November लिख लीजिए आप, बाय बैंक अकाउंट आपका क्या हो रहा है, सेल हो रहा है ठीक है। कितना हो रहा है एट अ प्रीमियम और 5 per share, ये अमाउंट कैसे आएगा, आपका शेयर है 30,000 × 10 rupees फेस वैल्यू प्लस 5 rupees प्रीमियम, तो 15 हो गया, 12 15 कर दे, कितना आया देखो अपना अमाउंट
4,50 आ गया आपका इधर अमाउंट, ठीक है। अब क्या करना है आपको, मैं आपको बता दें कि जब सेल्स होता है तो आपको ये पता करना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो उसका फॉर्मूला जो है मैं इस पर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी इनटू टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डाल दो, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला है, तो आपको पता करना है नंबर ऑफ सिक्योरिटी कितना सोल्ड हुआ है, इतना सोल्ड हो रहा है, ठीक है। अब आपको टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पता करना है, तो टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी पता करना है। आपको कैसे पता कर पाओ, इधर यहाँ पे आ जाओ, आपके पास इधर टोटल सिक्योरिटी देखो 13,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 और 10,000, आपके पास टोटल सिक्योरिटी है 15,000 सिक्योरिटी, आपको जो टोटल कर लेना है। तो आपको क्या मिल गया, टोटल सिक्योरिटी आपको मिल गया, यहाँ पे क्या लिखोगे 15,000 आप लिख दोगे इनटू टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पता करना आपको। टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे पता चलोगे, यहाँ से पता कर लोगे 4,15,000 प्लस 18,000 प्लस 1,15,000, बस आप तो प्रॉफिट में आ गए, ये तो हमको तीन ही लेना है। उसके बाद आपका कॉस्ट था कुछ, इसको माइनस कर दीजिए आप, आपका टोटल 6,70,000 यहाँ पे लिख लो, ठीक है। यहाँ पे तो आपको क्या करना है, 13,000 इंटू 6,17,000 डिवाइड बाय 15,000, ठीक है। आपका कॉस्ट आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका क्या कॉस्ट है, ठीक है, इतना कॉस्ट है। और आपको ये पता करना है कि मेरा सेल मेरा कितने में सेल हुआ है, तो आप देख सकते हो सेल इतने में हुआ है 4,15,000 में। तो ये कैसा फॉर्मूला बोलता है, सेल कितने में हुआ 4,50,000 का, और कॉस्ट कितना था उस चीज़ का 4,02,000। तो आपका जो प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है, ये फॉर्मूला जो जो आप निकालोगे वो आपका कॉस्ट होगा, और जो आपका सम था वो, तो आप सेल में से कॉस्ट माइनस कर दोगे तो आपका इतना क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो आपको प्रॉफिट डेबिट साइड में लिख देना है टू पी एन एल अकाउंट 48,000, डेट जो रहेगा एज इट इज़ आपको 15-10 का लिख देना है, ठीक है। ये आपका यहाँ तक काम हो गया। उसके बाद आपका क्या करना है, कुछ बोला नहीं, उसके बाद क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मायूरी, ठीक है। अज्यूम डेट बुक्स ऑफ अकाउंट आर क्लोज 31 मार्च, आप 31 मार्च को क्लोज करना है, तो आपको क्या कर लेना है, पूरा अमाउंट पूरा जो शेयर है इसको ऐड कर लेना, 15,000 शेयर हो गए हमारे, इसको अभी रुक जाइए, वेट करिए। उसके बाद आपको इसको पूरा ले लेना है, आपको ये पूरा अमाउंट कितना आ रहा है आप देख सकते हो, 4,15,000 आ रहा है, 18,000, 1,15,000 और 48,000, ठीक है। आपको कितना अमाउंट आ गया, 7,28,000, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 7,28,000 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे सेम आपको यहाँ पे ले लेना है, आपको क्या करना है, माइनस करना है 10,000 पहले माइनस कर लीजिए, 4,15,000 माइनस कर लीजिए, बचा 2,60,000, देखो 2,60,000 आपको क्या क्लोजिंग हो गया 15,000 में से, यहाँ पे आया सेम, इसमें से ये माइनस हो कितना बचा आपका रिमेनिंग 20,000 बच गया, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड आपको यहाँ पे देता है, डिविडेंड को यहाँ पे आपको ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो यहाँ पे ले लीजिए। तो आपको सेकेंड ये क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा 31/3/13 टू पी एन एल अकाउंट 16,000, ठीक है। ये था ओवरऑल सम्स जो हम डिस्कस किए पूरा। आपको कोई भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इसमें, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे कमेंट कर सकते हो आप, और डेफिनेटली मैं इसका रिप्लाई दे दूंगा आपको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आपको वीडियो को पसंद आए तो वीडियो आप लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स।